नशे की ज्यादती नौजवान की जान ले गई। निजी कॉलेज के बाथरूम से तालिब इल्म की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू का कहना है 23 साला शाहजेब कॉलेज के बाथरूम में मुर्दा हालत में पाया गया। बात कर लेते हैं मुदस्सिर नवाब से। मुदस्सिर नवाब बताएगा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया क्या है। ये गुलबर्ग के इलाके में निजी कॉलेज एक वाकया है जहां पर ये 22 साल का एक तालिबे इल्म जो आज मुर्दा हालत में वॉशरूम में पाया गया है। इस हवाले से जो पुलिस ने जब इस बात के मौके पर पहुंची और रेस्क्यू एहलकार जब उनकी मौके पर पहुंचे तो वहां से उन्हें वॉशरूम से एक इंजेक्शन बरामद हुआ है, जिसके बाद ये उनका ये कहना है रेस्क्यू एहलकारों का और पुलिस का कि ये जो बच्चे की जो शाहजेब है कब्जाजार का रिहायशी था ये नशे की ज्यादती की वजह से इसकी मौत वाकई हुई है, जबकि इसकी लाश को उन्होंने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है। मजीद जो इसके शवाहद मजीद तफसीलात जो है इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगी कि इसकी मौत किस तरह वाकई हुई, जबकि दूसरी जानब जराये का ये कहना है कि ये शाहजेब जो कब्जाजार का रिहायशी था ये सुबह 9 बजे कॉलेज में दाखिल हुआ और ताहाल इसकी गैर मौजूदगी के बाद जब इसके दोस्तों ने इसको दोबारा वॉशरूम में जाकर चेक किया तो इसकी वापसी पर कोई भी जवाब ना मसूल होने पर उन्होंने जो कॉलेज इंतजामिया को बताया, कॉलेज इंतजामिया ने फिर बाद में रेस्क्यू को और पुलिस को कॉल की, जिसके बाद इसकी लाश को जो है वॉशरूम से बाहर निकाल लिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया मुदस्सिर नवाब।